आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे वापस स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन के फूलों की सब्जी। इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसे हम इंग्लिश में मोरिंगा फ्लावर्स भी कहते हैं। इसकी जो फली होती है उसकी सब्जी भी बनती है, करी भी बनती है और अचार भी बनता है। इसमें 300 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। ये फीमेल्स प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके फूलों में कड़वाहट होती है, इसलिए हमने इसे रात भर नमक के पानी में डुबो कर रखा था। उसके बाद हमने इसे सुबह धो लिया है और अब हम इसे कुकर में डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी साथ में ऐड कर देंगे। उसे 5 से 6 मिनट आने तक पका लेंगे। दूसरे एक बर्तन में हमने पानी लिया है, पानी को हम गर्म होने रख देंगे। पानी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें मटर डालेंगे। इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए। मटर पक चुके हैं, हम एक पैन में 4 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे चटकने देंगे। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें जो जो स्पाइसेस डालने हैं वो डाल लेते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही हम इसमें जीरा डालेंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। फूल अच्छे से पक चुके हैं, मैंने इसे ठंडे पानी से धोकर निचोड़ लिया है। मसाला भी अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें फूल डाल देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें उबले हुए मटर ऐड कर देंगे और इसे भी हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इस सब्जी के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, पर लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है। चल, जो लोग अनीमिक हैं वो इसके पत्तों का पाउडर बनाकर इसे ले सकते हैं। इससे खून की कमी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है और ये मार्केट में भी बहुत ही कम दिखाई देती है। और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और इसके टेस्ट के बारे में नहीं पता होता और ना ही उन्हें इसे बनाना आता है। तो आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। जिन लोगों के घुटनों में दर्द, जोड़ों में या फिर गायनिक प्रॉब्लम है वो इसे सर्दियों में जरूर बनाकर खाएं। इसकी तासीर गर्म होती है, ये सर्दियों में ही अवेलेबल होते हैं। इसे हमें कवर करके पका लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चला लेते हैं। सब्जी हमारी बन चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे परांठे के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।